हमारे अतिथियों का स्वागत सत्कार जो हमारी परंपरा रही है उसका निर्वाह प्रत्युष परिवार ने किया है। प्रत्युष बंधु राजस्थान की मासिक पत्रिका जो जन जन की चाहत बन चुकी है, क्योंकि इस पत्रिका में होती है सामाजिक सरोकार, राजनीति, खेलकूद, विकास, शिक्षा, मनोरंजन, ज्योतिष, कर्मकांड से संबंधित बातें, वही महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं समाचारों की कवरेज। प्रत्युष राजस्थान की हिंदी मासिक पत्रिका ने अपना सफर सन 2002 से शुरू किया, जो आज 9 वर्ष पूर्ण कर सामाजिक विषयों पर संगोष्ठियों जैसे सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम भी करती रही है। मैं आज के इस अवसर पर आपका स्वागत करने के लिए हृदय के उद्गारों से बंधु राजस्थान की हिंदी दूसरे अच्छे अच्छे प्राइवेट सेक्टर में सब काम हो रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, ये सारा नया शहर जो है पूरे प्लानिंग से प्लान किया हुआ है। तो आज मैं इस मौके पे मुख्यमंत्री महोदय से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे पास राजस्थान में अकेली UIT ऐसी है उदयपुर की जिसके पास कोई बैंक लैंड बैंक नहीं है। पत्रकारिता में विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज़ होती है और आज के युग में छोटे मोटे बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं छपती हैं, पर सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि उसकी विश्वसनीयता कितनी है। कल भी मैंने कहा था, आज के युग में अधिकांश लोग TV देखते हैं, पर फिर भी उसके उपरांत भी पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तब जाके वो खबर को उस खबर की पुष्टि करते हैं। तो मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने 9 साल से ये पत्रिका प्रारंभ की है, 10वां साल आया है, निश्चित तौर पे आपने अच्छा मेहनत करके कामयाबी हासिल की है। भविष्य में ये पत्रिका और आगे बढ़े उसके लिए हम मंगल कामनाएं करते ही हैं, पर उसके साथ अपेक्षा यही है कि आपकी इस प्रत्युष की प्रतिष्ठा जैसी है और बढ़े और उसकी विश्वसनीयता बढ़े, सबका करते हैं। आज हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि लंबा अरसा होता है 9 साल का भी, कोई मैगजीन या पत्रिका निकालना, समाचार पत्र निकालना एक बात है, पर उस पत्रिका का नियमित रूप से निकलना, प्रकाशन होना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसीलिए कई बार पत्रिका निकलती है जो जो उसमें या समाचार पत्र निकलते हैं वो बाद में किसी किसी कारण से बंद हो जाते हैं या खाली उनकी फाइल कापी रहती है अखबारों के अंदर। ये पत्रिका जो मासिक है नियमित रूप से निकल रही है और आपके हमारे पास पहुंचती है, और प्रयास इसमें रहता है कि सभी तरह के खबरें, आर्टिकल, विभिन्न विषय को, शिक्षा पत्र हो, तो वो एक संदेश देने वाली पत्रिका के रूप में मैं प्रत्युष की मैगजीन को मानता हूँ। मानव मानव के बीच में प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भाव बना रहे, हम सब मिलके जन कल्याण की बात करें, क्षेत्र विकास की बात करें, और उसमें भूमिका होती है साहित्यकार की, लेखक की, पत्रकार की, दिशा देते हैं वो लोग जो कवि, रहीम और रसकान, बड़े बड़े कवि जो हुए थे उस जमाने में, जो सामाजिक कुरूतियाँ थी, भेदभाव था, उन सबको समाप्त करने के प्रयास किए गए। तो ये जो भूमिका रही है देश के साहित्यकारों की, प्रदेश के साहित्यकारों की, वो कोई कम भूमिका नहीं होती। समाचार पत्र का, पत्रिका का अलग महत्व है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रत्युष जिस रूप में इन्होंने प्रारंभ किया है और 10वां साल में प्रवेश कर रहे हैं, ये उच्च कोटि का साबित हो, उसकी सामग्री इस रूप में हो जो समाज से सरोकार हो, सामाजिक सरोकार होना बहुत आवश्यक है।
तभी सामाजिक ताना बाना मजबूत है।